सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको यूपी ट्रिपल सी लेखपाल भर्ती का जो आपका परीक्षा होने वाला है उसमें जो हिंदी का सिलेबस जो तो उस संबंधी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस शीट लेकर आया हूँ, एकदम पैटर्न पर आधारित है, जितने प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपका है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन है श श श है, या फिर य र ल व, या फिर छत्र ज्ञस्त्र, या फिर छ छ ज झ। तो इसका उत्तर आपको आना चाहिए, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है चार, वह आपके यहाँ य र ल व, ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट है। ये आपके उष्म व्यंजन और ये आपका जो है वह संयुक्त व्यंजन है, ये भी आप नोट कर लीजिए। देखते अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से असंगत मतलब गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? ऑप्शन है घात प्रतिघात, या फिर प्रसारण संकुचन, या फिर शाश्वत या सदैव, और डी है खग और मृग। इसमें से कौन सा विलोम शब्द वह गलत है? तो घात प्रतिघात ये तो सही है, प्रसारण संकुचन भी सही है, खग मृग भी सही है, लेकिन शाश्वत सदैव ये दोनों एक ही विलोम शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपका है, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन है सखी प्लस आगमन, या फिर सखी प्लस आगमन, या फिर सी सखी या गमन, या फिर डी संख्या प्लस गमन। तो इसका उत्तर आपको आना चाहिए, संख्या आगमन का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपका होगा सखी प्लस आगमन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का समान बात से समर्थन किया जाए तो वह कौन सा अलंकार होगा? अलंकार है आपका पूछा गया है, ऑप्शन है विरोधाभास होगा, या फिर संदेह होगा, या फिर अर्थांतरन्यास होगा, या फिर विशेष सूक्ति होगा। तो आप नोट कर लीजिए, जब किसी समान बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का समान बात से समर्थन किया जाए तो आपका अर्थांतरन्यास अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। पांचवा प्रश्न आपका, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। है आपका पहला कामायनी उच्च कोटि का वाक्य है, यह शुद्ध है, या फिर माता पिता पूजनीय है यह शुद्ध है, या आपका भविष्य उज्ज्वल है यह शुद्ध है, या फिर इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है यह शुद्ध है। तो आपको बता दें यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो आपका गलत है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वह राइट आंसर होगा। अशुद्ध वाक्य का चयन करना तो यही आपका जो है वह अशुद्ध है, माता पिता पूजनीय है ये होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न, छायादार शब्द विकास उदाहरण है? ऑप्शन है तत्सम का, या फिर देशज का, या फिर विदेशज का, या फिर संकर का। तो छायादार दो शब्दों से मिलकर बना है, आपको पता होना चाहिए, दो शब्दों से अगर मिलकर बना है शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संख्या शब्द हैं? मतलब कौन से विकल्प आपके ऑप्शन में सभी शब्द जो है भाववाचक संख्या के उदाहरण हैं? ऑप्शन है अमीर गरीब समूह मिठास ये, या जवानी खटास पुस्तक गंगा ये, या फिर रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति ये, या फिर धैर्य चालाकी उदासी और सूर्य। सभी जो ग्रुप में शब्द दिए गए हैं कौन से ऑप्शन के जो हैं वह भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यही आपका राइट आंसर होगा, रसीला कड़वाहट बुढ़ापा और उन्नति ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आप देखेंगे दिया गया, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। ऑप्शन अपादान कारक है, या फिर करण कारक है, या फिर संप्रदान, या फिर कर्ता। तो मैंने राधा के लिए, तो आप देखें कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, मतलब संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखते अगला प्रश्न। नवा प्रश्न आपका, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? ऑप्शन भाव को, या विभाव को, या फिर संचारी भाव, या फिर अस्थाई भाव।
आपको बता दें अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था को हम रस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखना प्रश्न, दसवां प्रश्न, तिरंगा में कौन सा समास है? समास की बात कर रहा है, द्वंद्व समास है या फिर द्विगु समास या फिर अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष। तो तीन रंगों का समूह गिनतीवाचक शब्द है। ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, पत्थर का प्राची नहीं है। ऑप्शन है पाहन नहीं है कि उपल नहीं है, पाषाण नहीं या फिर उरग नहीं है। तो पत्थर का प्राची नहीं है पूछा है, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी जो है उरग, ये नहीं है। तो यहाँ पर आप नोट कर लिए, उरग का अर्थ होता है सांप। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न, बारहवां प्रश्न, आप देखिए पूछा है वाक में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना आपको, यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन है अनेक अध्यापकों, ये आपको त्रुटिपूर्ण वाक्य है, या फिर शिक्षाविद तथा भाषा शास्त्री ये है, या का सहयोग मिला है ये कि कोई त्रुटि नहीं है। तो अनेक अध्यापकों, यही आपको त्रुटिपूर्ण वाक्य है, यही आपको त्रुटिपूर्ण वाक्य का भाग है, यही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनेक अध्यापक होगा, अध्यापकों नहीं होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, तेरहवां प्रश्न, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? करण तत्पुरुष का या फिर अलोक तत्पुरुष या फिर संप्रदान तत्पुरुष या फिर संबंध तत्पुरुष। तो युद्ध में स्थिर, में पर, अधिकरण में पर, अधिकृत तत्पुरुष के उदाहरण हैं, इसको हम एक नाम से और जानते हैं अलोक तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर जो आपका बी, यही आपका राइट है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न, चौदहवां प्रश्न, राम सीता से सुंदर है, इस वक्त में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर संबंध कारक। सिंपल सा प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे आपको लग रहा होगा काके की नाने निरारेरी से, नहीं ऐसा कुछ नहीं, संबंध नहीं है। अपादान यहाँ पर देखिए, अलग अलगाव का पुत्र, राम जो सीता से सुंदर है मतलब अलग है। ध्यान से आपको समझना इस वाक्य को, संबंध नहीं है, संबंध थोड़ी बताया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे जब कहीं तुलनावाची कोई शब्द हो तो वहाँ पर भी आपका अपादान कारक ही होगा, ये आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बीस का राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न, पंद्रहवां प्रश्न आपका, शास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है, सचदन शास्त्र या फिर सतदन शास्त्र या फिर सतधन शास्त्र या फिर सचधन शास्त्र। तो यहाँ पर आपका व्यंजन संधि आपको पता होना चाहिए, इसका जो संधि विच्छेद होगा आपका होगा सतधन शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, मैंने अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है प्रश्नवाचक या फिर निश्चयवाचक या फिर निजवाचक या फिर संबंधवाचक। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने अपने आप, अपने आप यहाँ पर निज की बात की जा रही है, स्वयं की बात की जा रही है, तो निजवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न, सत्रहवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक नहीं है कि लाघव नहीं है, उपदेशक नहीं कि विवरण नहीं है। आपको पता होना चाहिए निर्देशक, लाघव, विवरण, ये तीनों तो आपके विराम चिन्ह के उदाहरण हैं, लेकिन उपदेशक कोई विराम चिन्ह का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका है सी वह राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न, अठारहवां प्रश्न, शैतान की याद इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अत्यंत धूर्त व्यक्ति या फिर बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण वस्तु या फिर अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो शैतान की आत की अगर बात करें तो बहुत लंबी वस्तु, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पर देखिए एक चिन्ह दिया गया, ये वाला पूछा किस विराम चिन्ह का घोतक है या उदाहरण है? कोष्टक चिन्ह का या उद्धरण चिन्ह का, पुनरुक्तिक सूचक चिन्ह का या फिर विवरण चिन्ह का। सिंपल सा प्रश्न, उत्तर आपको आना चाहिए कोष्टक चिन्ह का, ये उदाहरण है, ऑप्शन नंबर इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, वह खा रहा था, मैं खा रहा था जो वाक्य कौन सा काल है? पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत या फिर सामान्य भूत। तो वह खा रहा था, मैं खा रहा था कौन सा वाक्य, इसका उत्तर आपको आना चाहिए। सिंपल सा प्रश्न है, अपूर्ण भूत है, कंप्लीट वाक्य नहीं बताया जा रहा, बताया वाक्य खा रहा था,
पूर्ण भूत, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न, किसों पर उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, उद्धरण डयन या फिर उद्धरण डयन, उद्धरण अयड़ या फिर उद्धरण अयड़। तो उड्डयन संधि विच्छेद की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, उद्धरण डयन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, चूर्ण किस प्रकार का शब्द है, ऑप्शन तत्सम है, अर्धतत्सम है, देशज या फिर तद्भव है। तो चूर्ण की बात करिए आपका तद्भव है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न, 23वां प्रश्न, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है, राह न सूझना बराबर बात बदलना पीछा छुड़ाना या फिर ढांढस बांधना। तो चौकड़ी भूल जाना इसका जो अर्थ होगा वो आपका होगा राह न सूझना, ऑप्शन नंबर इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा, जुगुप्सा है या फिर क्रोध या फिर शोक या फिर निर्वेद। तो आपको पता है शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखते हैं अगला और अंतिम प्रश्न, यहाँ पर देखिए 25वां प्रश्न क्या लिखा है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है आपको। इस प्रकार के प्रश्न में एक वाक्य के खंडों बांटकर उन्हें ए बी सी डी की संज्ञा दी जाती है, प्रश्नों को वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करना है जो वाक्य व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों का साथ त्रुटिपूर्ण हो, यदि सभी खंड त्रुटिपूर्ण रहित है तो कोई त्रुटि नहीं तो उत्तर के रूप में चिन्हित करना है। देखते हैं प्रश्न, यहाँ पर लिखा है देखो यदि आप अपनी, ये ए ऑप्शन आपका है, तो बी है आपका और अपनी परिवार की, बी हो गया, भलाई चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ, ये आपका सी है, डी और डी आपका है कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो आपका है बी, वो वाला वाक्य जो है आपका वह गलत है। यहाँ देखिए देखो यदि आप अपनी और अपने परिवार की, अपनी परिवार की नहीं होंगे, अपने परिवार की भलाई चाहते हैं, ऑप्शन बी जो है वही आपका राइट है। तो दियर यूपीटी पर से लेखपाल भर्ती की जो आपकी परीक्षा होने वाले संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है दोस्तों हिंदी का, चैनल से जुड़े रहेंगे अपडेट तक, अगला अपडेट आपको जल्दी दिया जाएगा। जय हिंद।